सो है एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अटल यूनिवर्सिटी और साथ में देखेंगे यूटीडी की क्लासेस एंड उसके प्रैक्टिकल लैब्स। तो ये आइडिया हमको इस तरह से आया कि हमने सोचा कि आप लोग तो बोर हो ही चुके होंगे डेली के वीडियोस देख देख के, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कौन कौन से कॉलेज में आपको फॉर्म भरना चाहिए, ये सब देख के। तो चलिए आज थोड़ा मूड रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं अटल यूनिवर्सिटी को अंदर से और साथ में एक्सप्लोर करेंगे यूटीडी डिपार्टमेंट्स को। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो याद से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अटल यूनिवर्सिटी जो है एकदम न्यू बन चुका है कोनी में, पुलिस थाना कोनी के जस्ट फ्रंट में, जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट किया था। और जो पुराना वाला है वो तो गांधी चौक में है ही, उसके बारे में भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। और यहाँ लगभग सभी डिपार्टमेंट जो है अब ट्रांसफ़र हो चुके हैं एंड यूटीडी की क्लासेस भी यहीं लगती है। तो आई थिंक आप में से बहुत लोग जिन्होंने यूटीडी के लिए अप्लाई नहीं किया है, आज के इस एक्सप्लोरेशन को देखकर आप लोग ज़रूर से यूटीडी में पढ़ना चाहेंगे और अप्लाई ज़रूर से करेंगे। तो चलिए थोड़ा और नज़दीक से देखते हैं और अलग अलग एंगल से देखते हैं अटल यूनिवर्सिटी को। और यह है अटल यूनिवर्सिटी का फ्रंट व्यू। आई होप कि आपको यूनिवर्सिटी आउटर से तो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अंदर साइड से भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये वाला रोड जो है कोनी पुलिस थाना के फ्रंट वाला रोड है, तो उधर से हम लोग आए हैं। और थोड़ा सा इसको और क्लोज से देखते हैं, और ये वाला जो है बिरकोना रोड के लिए निकलता है सेकेंड गेट। तो अभी हम लोग अंदर चल के एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम लोग इंटर कर रहे हैं अटल यूनिवर्सिटी में एंड लेट मी कमेंट डाउन कि आप लोग को ये यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग से कैसा लग रहा है। आगे का तो लास्ट में बताना, बट अभी कमेंट डाउन करके बताओ। और यह है हमारे फ्रेंड विशाल एंड दीपिका, इन्होंने ही हमें हेल्प किया है सारे डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर करने में। तो चलिए चलते हैं और कितने अच्छे से एक्सप्लोर हुआ है वो देखते हैं। ये वाला जो गेट देख रहे हो जस्ट उसके सामने में अभी हम लोग खड़े हुए थे, तो जस्ट हम लोग अंदर आ चुके हैं। उधर साइड जो है लिफ्ट है एंड हेल्प डेस्क है एंड साथ में दोनों साइड सीढ़ियाँ भी है। हाँ, यहाँ लिफ्ट की कोई कमी नहीं है पूरा। अब ये यूनिवर्सिटी जो है 5 फ्लोर में है ग्राउंड फ्लोर को मिला के। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जहाँ पर कंप्यूटर साइंस के लैब्स एंड क्लासेस लगते हैं। और हमारे पीछे साइड भी क्लासेस हैं ग्राउंड फ्लोर में ही, जहाँ लैब है कंप्यूटर के, जहाँ MCA वगैरह की क्लासेस और उनका प्रैक्टिकल होता है। तो उसको वीडियो के एंड तरफ देखेंगे, क्योंकि नीचे से अभी डोर लॉक था इसलिए लास्ट में जाएंगे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर, जहां स्टार्टिंग साइड कंप्यूटर साइंस, आगे फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है। तो चलिए देखते हैं यहां की एक क्लासरूम को, जहां पर लेक्चर की क्लासेस लगती है, कैसा है। तो ये रहा आप लोग का क्लास। अगर आपका UTD में एडमिशन होता है तो आप लोग का क्लासरूम ऐसा होगा, जहाँ पर आप लोग लेक्चर अटेंड करेंगे एंड यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड, वाइट बोर्ड और साथ में प्रोजेक्टर भी अवेलेबल है, जहाँ पर आप PPT से अच्छा प्रेजेंटेशन वगैरह भी दे सकते हैं। सो लेट मी कमेंट डाउन कि आपको ये क्लासरूम कैसा लगा। ओके, तो आप लोग को यहाँ की क्लासेस जो है बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप लोग को UTD कोर्सेज में अब एडमिशन भी लेना है, तो उसकी एडमिशन की प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन फीस, कोर्सेज सभी की डिटेल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, ज़रूर से जाकर के चेकआउट कीजिएगा। फिलहाल के लिए तो वीडियो को एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर देखिए दोनों साइड दो दो करके 4 लिफ्ट लगे हुए हैं, और ये सभी फ्लोर में मिलेंगे। ग्राउंड फ्लोर में हम लोग अच्छे से नहीं दिखा पाए, बट इस फ्लोर में देख लीजिए। और ये पैटर्न जो है पूरे यूनिवर्सिटी का सेम है सभी फ्लोर के लिए। तो चलिए देखते हैं फूड प्रोसेसिंग का लैब, जहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो ये भी लगभग कंप्यूटर लैब की तरह ही है, जहाँ पर आपको फूड प्रोसेसिंग का जो है टेक्नोलॉजी वाला प्रैक्टिकल करने को मिलेगा। तो अब चलते हैं फूड प्रोसेसिंग लैब की तरफ एंड सामने जो सीढ़ी दिख रही है, अगर आप यहाँ से नीचे की तरफ जाते हो तो आपको MCA का डिपार्टमेंट मिलेगा। तो हम लोग पहुँच चुके हैं फूड प्रोसेसिंग लैब की तरफ। तो चलिए थोड़ा सा झांक के ही देख लेते हैं, क्योंकि अंदर जाने के लिए दरवाजे ओपन नहीं थे। तो यहाँ पर देखिए सिंक, बेसिन वगैरह सब बनी हुई है, क्योंकि सारा प्रैक्टिकल जो है खाने पीने का होता है, तो पानी की भी बहुत ज़रूरत होती है। एंड आपको यहाँ शायद दिख रहा हो जो है टेस्ट ट्यूब वगैरह सभी रखे हुए हैं। सो लेट मी कमेंट डाउन कि अब आप में से कौन कौन फूड प्रोसेसिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो। सो दिस इज एन अदर लैब ऑफ फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, मेरी इंग्लिश उतनी भी अच्छी नहीं है, तो फिलहाल लैब पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी डिवाइसेस मिलेंगी जो आपके फूड प्रोसेसिंग के प्रैक्टिकल में यूज होंगी एंड यहाँ पर प्रैक्टिकल भी किया जा रहा है।
सो अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने यूटीडी के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो ज़रूर से अप्लाई कीजिए। यहाँ के लैब्स देखिए, प्रैक्टिकल वगैरह इतने अच्छे से होते हैं एंड इंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर यहाँ पर जो है आपका एडमिशन होता है, तो इंट्रेंस एग्ज़ाम भी दीजिए, क्वेश्चंस बहुत ईजी आते हैं, तो ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। सारे इन्फॉर्मेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, ज़रूर से जा करके चेकआउट कीजिएगा। तो अब चलते हैं सेकेंड फ्लोर की तरफ, जहाँ पर फूड प्रोसेसिंग एंड होटल मैनेजमेंट दोनों का डिपार्टमेंट है। बट हम लोग जिस रास्ते से गए वो वाला रास्ता अभी क्लोज है, तो फिर लास्ट में वीडियो के एंड साइड आपको दिखाएंगे कि होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कैसा है। तो अभी चलते हैं फिलहाल थर्ड फ्लोर की ओर, जहाँ पर आपको मिलेगा माइक्रोबायोलॉजी की लैब, मीन्स माइक्रोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट प्लस सेंट्रल लाइब्रेरी। तो अभी हम लोग थर्ड फ्लोर पर है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के साइड में, तो चलिए थोड़ा सा क्लासरूम एंड लैब को देख लेते हैं। सो मे बी आप लोग को थोड़ा दिख रहा होगा कि माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो जो डिवाइसेस यूज होते हैं सारे के सारे यहाँ पर रखे हुए हैं, एंड यहाँ पर मेडल्स वगैरह भी जो यूनिवर्सिटी एंड इस डिपार्टमेंट को मिले हुए हैं। एंड आई होप कि ये वाला साइड आपको ज़्यादा क्लियरली दिखेगा। यहाँ पर देखिए टेस्ट ट्यूब वगैरह रखा हुआ है, ये सारा पूरा माइक्रोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट है। एंड यहाँ से बालकनी की ओर भी रास्ता ओपन है, तो चलिए बालकनी पर भी जाके देखते हैं आउटर लुक कैसा है। तो आज मौसम बहुत अच्छा था, लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है, आगे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। एंड पेड़ पौधों के उस पार जब आप जाओगे तो जीईसी का कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, उसके बारे में भी कभी ब्लॉग बनाएंगे, तो फिलहाल यहीं को एक्सप्लोर करते हैं। एंड आप लोगों को लग रहा होगा कि सभी डिपार्टमेंट में लैब जो है सिर्फ दो ही दो है, बट ऐसा नहीं है, चर-चर लैब अवेलेबल है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के दो लैब हमने पीछे दिखाए और दो लैब यहाँ पर है, ठीक है, ये तीसरा वाला है एंड चौथा इसके जस्ट बगल में है, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ये वाला जहाँ पर लेक्चर की क्लासेस भी लगती है साथ में प्रैक्टिकल भी। तो अभी हम लोग चलते हैं इस डिपार्टमेंट में आगे की तरफ, और हमें कमेंट डाउन करके सही सही बताइएगा कि आपको ये कैंपस टूर कैसा लग रहा है। तो आगे से राइट साइड वाला कॉरिडोर जो है सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए जाता है, बट हम लोग लाइब्रेरी इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ का विंडो भी ओपन नहीं था जिससे हम आपको अच्छे से दिखा पाए लाइब्रेरी को। एंड ये है डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जहाँ पर प्रोफेसर्स लोग बैठते हैं। तो चलिए चलते हैं एकदम टॉप वाले फ्लोर पर और उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो देखिए सीढ़ियों की यूज हमने कर ली है, अब यहाँ व्हील चेयर वाले सेक्शन से हम लोग जा रहे हैं। अगर आप में से कोई पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट हैं, व्हील चेयर वगैरह का यूज करते हैं, तो आपको यहाँ बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। सो ये है फोर्थ फ्लोर, कॉमर्स डिपार्टमेंट एंड ऑडिटोरियम यहीं पर है। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट चलेंगे ऑडिटोरियम की ओर, आगे से लेफ्ट। तो हम लोग ऑडिटोरियम के पास पहुंच चुके हैं एंड यहाँ का डोर भी लॉक है, तो खिड़की से ही देख लेते हैं। एंड यहाँ से तो उतने अच्छे से नहीं दिखा है, सेकेंड वाले विंडो से देखते हैं। और हम लोग को तो पर्सनली यहाँ का ऑडिटोरियम काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड बाकी कॉलेजेस की ऑडिटोरियम भी बहुत अच्छी है। अगर आपने बाकी कॉलेजेस की वीडियो ब्लॉग नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, ज़रूर से जाकर के चेकआउट कीजिएगा एंड कमेंट डाउन कीजिएगा कि आपको सबसे अच्छा कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी कौन सा लगा। ऑडिटोरियम के बाद अब हम चलेंगे सेकेंड फ्लोर को, जो कि बचा हुआ है एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी हम लोग लिफ्ट का वेट कर रहे हैं एंड ये दीपिका मैम हमारी जो है मंत्र बोल रही है खुल जा, तो खुल। ओके, तो अभी हम लोग सेकेंड फ्लोर पहुंच चुके हैं फूड प्रोसेसिंग एंड होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि डबल डबल फूड डिपार्टमेंट कैसे है। तो देखिए कुछ में लैब्स है और कुछ में क्लासेस लगते हैं कुछ इस तरह से। एंड ये फूड प्रोसेसिंग वाले यहाँ पर अचार बना कर रखे हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो ले जा सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर भी इस वाले बालकनी पर आ गए हैं एंड थोड़ा सा यहाँ से भी आउटर व्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर अचार ले जाने की साजिश की जा रही थी, तो अचार तो नहीं लाए, बट अब हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर आ चुके हैं कंप्यूटर लैब्स की ओर, ठीक है।
तो चलिए चलते हैं। वो आगे जो सीढ़ी दिख रहा है वो ऊपर फ्लोर जाता है। हम लोग पीछे वाले रास्ते को दिखाने के लिए आए थे जो कि डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर से आप जब एंट्री करोगे तो वहीं से ओपन होता है, बट वो वाला डोर अभी ओपन नहीं है। जब आप लोग का एडमिशन हो जाएगा उसके बाद ओपन कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं कंप्यूटर लैब की ओर। तो ये है एक कंप्यूटर लैब जहाँ पर बहुत सारे सिस्टम्स अवेलेबल हैं एंड इसको और अच्छे से अरेंज करेंगे जब आप लोग का एडमिशन हो जाएगा देन क्लासेस स्टार्ट होने के बाद। देन अगेन ये एक और कंप्यूटर लैब है जहाँ पर प्रोग्रामिंग लैब करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वाइट बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड साथ में PPT प्रेजेंटेशन के लिए भी एंड प्रैक्टिकल के लिए सिस्टम्स अवेलेबल है। तो चलिए अब बाहर चलते हैं, थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करते हैं एंड देखते हैं आउटर लुक और क्या क्या चीज़ें बच गई हैं उसको भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो इन दोनों को बहुत सारा थैंक यू इतना हेल्प करने के लिए एंड टाटा। ओके, आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, उन दोनों को बोले हैं आप लोग कहीं मत जाइएगा, अभी थोड़ा और वीडियो बचा हुआ है, पूरा देख के जाइए। सो आई होप कि आपको ये कैंपस टूर पसंद आई होगी। UTD की जो क्लासेस हैं, लैब्स हैं, वो आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी एंड आप ज़रूर से इस बार UTD के लिए अप्लाई करेंगे एंड यहाँ एडमिशन भी ज़रूर से लेंगे। तो अभी हम लोग सेकेंड गेट की ओर जा रहे हैं, यहाँ से ही हम लोग बाहर जाएंगे एंड यहाँ पर ये वाला पोर्शन पूरा पार्किंग का है। और ये वाला रोड है बिरकोना रोड और ये गेट नंबर 2। सो थैंक यू एवरीवन, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।